रिच एंड सक्सेसफुल पीपल अपना बच्चे लोग को क्या सिखाते हैं उसके बारे में देखते हैं, राइट। ज़्यादातर वो बहुत ध्यान रखते हैं कि अपना जो बच्चे लोग हैं वो किस तरह का फ्रेंडशिप पर रहे, क्योंकि अपना पांच फ्रेंड बताइए, आप पूनो मैं बताता हूँ, सो एक है फैक्ट है, सो आप किसके साथ हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बहुत ध्यान देते हैं और उन्हीं फ्रेंड के साथ रहने जाते हैं जहाँ से उनको कुछ सीख पाएँ, मतलब ग्रोथ कर पाएँ, उस तरह का फ्रेंडशिप के साथ वो रहते हैं। मैं फ्रेंडशिप सिर्फ पैसा वाले के साथ रहने का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो दिल से है और अच्छा सीखने जैसे मिले उनके साथ भी रहते हैं, ठीक है, एक हो गया। और फाइनेंशियल चीज़ें बहुत सिखाते हैं, पैसा क्या होता है, कैसे काम करता है, वेल्थ कैसे प्रॉपर्टीज बनते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को पहले सिखा देते हैं, पैसा कैसे काम आता है, राइट। नहीं तो बड़े हो गए वो बेवकूफ़ जैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतना बच्चे को इतना मस्त प्यार लाट करके उनको तकलीफ़ क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ये सब उनको पता नहीं है, तो सुबह बड़ा होकर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, रोड पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा, उस तरह गरीबी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। सो ये फाइनेंशियल सिचुएशन से सब चीज़ उनको बताते हैं, अरे ये वाला, और सराउंड हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है, ये सब चीज़ भी सिखाते हैं। इसमें दो तीन चीज़ बताऊँगा, किस तरह का फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, राइट। मैंने कुछ ऐसे ऐसे फ्रेंड्स के साथ था जिसके पापा बके लुढ़क जाते हैं, उसको हम लोग मैं रोड से पकड़ के लेके आता था घर पे, उनके घर के अंदर मारपीट बहुत होता था, राइट, लेकिन फ्रेंड है, तो मैं बोला फ्रेंड है ठीक है, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है, राइट। मैं इस तरह का सोच विचार में नहीं आता हूँ, कल्चर में मेरा सीट नहीं होता है, मैं आ गया बाहर। तो उस तरह का फ्रेंडशिप आपको ढूंढना है, मतलब बच्चों को किस तरह का फ्रेंडशिप का रहना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रोज़ का बर्थडे हुआ, उसका फ्रेंड्स आए थे, उनको शायद अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं बोला, लेकिन बाहर जाके सब फ्रेंड्स के साथ बोला अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, मैं भी लोग मजाक मजाक बोला रहेंगे, लेकिन इसको सीरियस लगा, राइट। सो हमेशा फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि गलत बातें, इम्प्रूवमेंट बातें सामने बोलना है, अच्छी बातें बाहर बोलना है, यहाँ पर उल्टा हुआ, जो बुरा हुआ वो बाहर सबको बताया, अच्छा हुआ तो सामने बताया, तो ये गलत है ना, तो ये इमिडिएटली बोले ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकती, राइट, शी इज़ वेरी क्लियर। सो कैसे फ्रेंड्स को चूज़ करना, नेगेटिव लोगों को कैसे हटाना, पॉजिटिव फ्रेंड्स कैसे बनाना, यू नो एनकरेजमेंट, सपोर्टिव, उस तरह का फ्रेंड्स का रहना, इनको कैसे चूज़ करना ये सिखाते हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे किस तरह का फ्रेंडशिप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और किस तरह फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए, उनको कैसे चूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ बताना जरूरी है। पर्टिकुलरली मेरी लड़की, उसको कई फ्रेंड्स पहले याद नहीं आता, मैं याद आता हूँ, कहीं कुछ शेयर करना, कुछ बताना, कुछ डिस्कस करना, सब मैं आता हूँ। राइड में जाना तो मुझे बोलते सर पापा बाइक निकालो, एक राइड में जाते हैं, तो मैं बाइक में राइड करके आता हूँ। ये क्या है ना, आने वाले बॉयफ्रेंड के लिए बहुत कॉम्पिटिशन हो जाएगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड को पापा से भी बड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन होना पड़ेगा। बहुत सारे लड़के ईजीली पटाए कर देते हैं लड़की को, क्योंकि मम्मी पापा उतना स्मार्ट उनको दिखता नहीं है, अब है नहीं अलग बात है, लेकिन अपने बच्चों को दिखता नहीं है, या फिर ओवर स्मार्ट बहुत कंडीशन ऐसा दिखता है जिसकी वजह से शेयर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स लड़की अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरह से एक फ्रेंडशिप माहौल रखना चाहिए, कुछ भी वो तो फ्री ले आके हमें बताएं, राइट, उनको ये डर नहीं होना चाहिए डांटेंगे नहीं है सर। सो थोड़ा सा ये सब चीज़ पे ध्यान करके हमारा बच्चे को हम लोग बड़ा करते हैं, दैट विल बी गुड लाइक। थैंक यू।